वेलकम टू धारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। धारी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो एक वीडियो लेके आए हैं, जो एक प्लान लेके आए हैं, जो कि 16 फीट 9 इंच बाई 60 फीट है, यानी एरिया हो गया 1021 स्क्वायर फीट, यानी 60 फीट इधर है और 62 फीट इधर है, ठीक है। और 16 फीट 9 इंच इसका फ्रंट है और इसका फेस है साउथ फेस। यहाँ देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ फेस ऊपर हुआ, ये नॉर्थ साइड हुआ, ये साउथ फेस हुआ, यानी 1021 स्क्वायर फीट का इसी का प्लान बताने वाला हूँ आपको। इस साइड 60 हुआ, इस साइड 62 हुआ और आगे में 12 फीट वाइड रोड है, तो इसी का डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों का। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर इस टाइप का आपका प्लॉट है तो आप बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसा प्लान बना रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर बताया आपको प्लॉट के बारे में, 12 फीट रोड पे अवेलेबल है, साउथ फेस है, 16 फीट बाई 16 फीट 9 इंच बाई 60 फीट है। तो देख लेते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर पे कैसा बना हुआ है। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर का प्लान हुआ, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान हुआ। आप यहाँ से एंट्री करते हैं पार्किंग में, सबसे पहले पार्किंग मिलता है 15 फीट जो कि है 15 फीट बाई 9 फीट 6 इंच का, यानी 9 फीट 6 इंच ये हुआ और 15 फीट इसकी लंबाई हो गई। और यहाँ पे 7 फीट वाइड का स्टेयर दिया गया है, 6 फीट का सॉरी, तो 3 फीट इसका लैंडिंग दिया हुआ जो यहाँ पे शो किया गया है। आप यहाँ से जाकर यहाँ से ऊपर जाने का फिर रास्ता हो गया, ये स्टेयर यहाँ से अप है और स्टेयर 6 फीट है इसकी चौड़ाई और यहाँ पे लैंडिंग है 3 फीट वाइड, ठीक है। पार्किंग एरिया देख रहे हैं 15 बाई 9 फीट 6 इंच का और नीचे में एक फ्लैट बनाया गया है, ऊपर में एक फ्लैट बनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, नीचे में भी 2 BHK फ्लैट बनाया गया है। जैसे यहाँ से एंट्री हम लोग करते हैं, ये देखिए यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते हुए हमें ड्राइंग रूम मिलता है जो कि 11 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट का है और यहाँ पे डक दिया गया है ड्राइंग रूम का, यहाँ पे विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट दिया गया है जो कि ड्राइंग रूम से दिया गया है और इसका एग्जॉस्ट यहाँ पर हम लोग बाहर निकाल देंगे जो कि टॉयलेट का साइज़ है 5 फीट इंटू 6 फीट का। और ये ड्राइंग रूम हुआ, ड्राइंग रूम से इस साइड में किचन दिया गया है 5 फीट इंटू 6 फीट का जो कि वास्तु अनुसार है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में बना हुआ है। और यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है 3 फीट 6 इंच का और पैसेज के साथ यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है जो कि 4 फीट 9 इंच का है, ठीक है। 4 फीट 9 इंच का यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है, इसका भी एक एग्जॉस्ट यहाँ पे इस डक में निकल जाएगा। 2 फीट का यहाँ पे डक दिया गया है, 2 फीट बाई 4 फीट का और ये पैसेज हुआ 3 फीट 6 इंच का। यहाँ से दोनों रूम में जाने का रास्ता हुआ, यहाँ देखिए बेडरूम 11 फीट 6 इंच इंटू 8 फीट 5 इंच का है और यहाँ पे बेडरूम 11 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट का है, ठीक है। ये रूम थोड़ा छोटा रखा गया है और ये रूम को थोड़ा बड़ा रखा गया और इस रूम में एक पूजा रूम दिया गया है जो कि 4 फीट बाई 5 फीट का है। बेडरूम में 11 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट बेडरूम का साइज है और इस बेडरूम से इसका एंट्री यहाँ से था और बालकोनी पीछे दिया गया था, बालकोनी के लिए 3 फीट वाइड बालकोनी दिया गया पीछे और ये एक्स्ट्रा पोर्शन बचता है उसके लिए भी यहाँ जाने के लिए रास्ता दिया गया। यहाँ पे पूजा रूम हो गया 4 फीट इंटू 5 फीट का। तो ये रहा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। आप यहाँ इससे भी एंट्री दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग पार्किंग से भी एंट्री कर सकते हैं। पार्किंग में मेन गेट यहाँ पर रहेगा और पार्किंग का एरिया भी काफ़ी अच्छा है, 15 फीट बाई 9 फीट 6 इंच का है और यहाँ से ऊपर जाने का फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता हो गया, 3 फीट वाइड रोड है। तो और ये वास्तु अनुसार पूरा फ्लैट बना हुआ है, 2 BHK फ्लैट नीचे में। तो प्लान कैसा लगा जरूर बताइए और चैनल पर न्यू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम और भी हम लोग ऐसा एस्टिमेशन का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पर कैसा प्लान बना है। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का प्लान ये हुआ, जैसे हम लोग यहाँ से नीचे से यहाँ पर एंट्री करते हैं, स्टेयर 6 फीट वाइड यहाँ पर लिखा गया, यहाँ से फिर से ऊपर जाने का रास्ता हुआ और यहाँ से स्टेयर दिखे, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करते हैं इसमें सेम ड्राइंग रूम है, 13 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट 6 इंच का और यह ड्राइंग रूम से यहाँ पे किचन जाने का रास्ता दिया गया है जो कि 7 फीट इंटू 9 फीट 6 इंच का है। किचन सेम साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाया गया है जो कि वास्तु अनुसार यहाँ पर होना चाहिए और इसे एक बालकोनी दिया गया है 3 फीट वाइड का, ठीक है। आगे रोड पर फ्रंट व्यू यहाँ पर रहेगा, बालकोनी 3 फीट वाइड का दिया गया है। अब यहाँ देखिए टॉयलेट यहाँ पे दिया गया है, ड्राइंग रूम से अटैच यहाँ पे 5 फीट इंटू 6 फीट का, ये ड्राइंग रूम का साइज यहाँ पे देखें 13 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट 6 इंच का। और इससे बगल में यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है, यहाँ पे 3 BHK फ्लैट बनाया गया है इस पर
तीन बेडरूम का फ्लैट बनाया गया। यहाँ पे देखिए बेडरूम का साइज़ है 11 फीट 6 इंच x 9 फीट का, और इसका विंडो यहाँ पे ओपन होगा और एंट्री यहाँ से हो रहा है। और सेम नीचे जैसे पैसेज दिया गया था 3 फीट 6 इंच का, यहाँ पे 3 फीट 6 इंच का पैसेज दिया गया है। यहाँ पे टॉयलेट हो गया 4 फीट x 9 फीट का, यहाँ पे उसका एग्जॉस्ट निकलेगा। और ये बेडरूम हो गया 11 फीट 6 इंच x 8 फीट 5 इंच जो सेम नीचे था, इस बेडरूम का साइज़ सेम है जो नीचे था। और इसमें पूजा रूम दिया गया है 4 फीट 5 इंच का, और बेडरूम का साइज़ बता दो 11 फीट 6 इंच x 10 फीट का। और सेम नीचे जैसा बालकोनिया पे 3 फीट वाइड बालकोनी दिया गया है, उसका यहाँ से एंट्री दिया गया है। तो 3 BHK फ्लैट बनाया गया ये। अगर आपको भी कोई नक्शा बनवाना है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पटना में या कहीं भी। तो कैसा लगा प्लान जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको कौन सा प्लान चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे 16 फीट x 9 इंच 16 फीट 9 इंच x 60 फीट का, जिसका प्लॉट एरिया है 1021.75 स्क्वायर फीट, यानी इधर 62 फीट था इधर 60 फीट था, और साउथ फेस था ये। नीचे में ये पार्किंग दिया गया था 2 BHK, उसके साथ ही 2 BHK फ्लैट में यहाँ था, एक बेडरूम यहाँ पे, एक बेडरूम यहाँ पे, एक ड्राइंग रूम दिया गया था एंट्री के साथ, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, उसके साथ एक अटैच टॉयलेट दिया गया था 5 फीट x 6 फीट का, किचन दिया गया 5 फीट 6 इंच का, पैसेज है 3.5 फीट का, उससे एक टॉयलेट दिया गया था 4 फीट 9 इंच का, यहाँ बेडरूम दिया गया था 11 फीट 6 इंच x 8 फीट 5 इंच का, सेम यहाँ पैसेज है 3 फीट 6 इंच का, और यहाँ पर बेडरूम दिया गया 11 फीट 6 इंच x 10 फीट का, बालकोनी 3 फीट वाइड है, पूजा रूम यहाँ पे 4 फीट x 5 फीट हुआ। और ये था फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ 3 BHK फ्लैट बनाया गया था, 1 2 3 3 बेडरूम दिया गया था। यहाँ से एंट्री करने का रास्ता हुआ, यहाँ से ड्राइंग रूम में हो गया 13 फीट 6 इंच x 9 फीट 6 इंच का, किचन यहाँ पे 7 फीट x 9 फीट 6 इंच का दिया गया है। किचन से भाई यहाँ पे विंडो आप दे सकते हैं बालकोनी में, और यहाँ पे बालकोनी का साइज दिया गया है 3 फीट वाइड। तो प्लान कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस प्लान का, अगर इस टाइप का प्लान आपका है तो आप ये बनवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लान बना हुआ है, 16 फीट 9 इंच x 60 फीट का है। और भी कोई प्लान बनवाना है जरूर नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, हम लोग और भी आप प्लान लाने का कोशिश करेंगे। एक रफ प्लान है, और इसमें आगे भी कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 3 फीट का ये दिया गया, आगे में रैंप दिया गया है जो कि हमें गाड़ी चढ़ाने के लिए रहेगा, पार्किंग के लिए। मेन गेट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन गेट लगेगा, ऐसे ही मेन गेट आप दे सकते हैं, एक मेन गेट यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा डोर रहेगा जो कि एंट्री डायरेक्ट नीचे स्टेयर के नीचे यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।